अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज 20वां रोजा है, आज पहली शब का दर है। आज यहाँ पे गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है, काफ़ी जारी आ चुके हैं और इवन आज आसमान पे हम देख रहे हैं कि मगरिब के वक्त से हेलीकॉप्टर के जरिए मॉनिटरिंग भी हो रही है। आज पहली शब का दर है, इंशाल्लाह आज रात को हम कुछ शब का दर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। कुछ मनाजिर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हरम से दस्तखान जब ख़त्म हो गया इफ्तार का, उसके बाद ये तमाम हजारों के तादाद में भर के यहाँ पे लेके जाते हैं। ये शॉपर में सारा कचरा, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके ज़रिए मुसलसल ये रिसाइकिल हो रहा है। यहाँ पर रिसाइकिल प्रोसेस से ट्रक खड़े हुए जो रिसाइकिल कर रहे हैं सारे कचरे। देखिए मुसलसल ये ट्रॉली में भर भर के कचरा लेके आया जा रहा है। सारा खाना पीने का सामान जो लोगों ने खा लिया, उसके बाद खाली डब्बे, बोतलें, बहुत सारी बेशुमार चीज़ें होती हैं, खाली पैकेट होते हैं, कागजात होते हैं। यहाँ पे मुसलसल इस बंद है, बकरी के बिल्कुल सामने ये इलाका है, 35 के बिल्कुल सामने है। आम दिनों में ईशा के फ़ौरन बाद ही तरावी शुरू हो जाती है, लेकिन आज तरावी फ़ौरन शुरू नहीं की गई। ईशा की नमाज़ के बाद आप ये सुन रहे हैं इमाम साहब जो है आज, क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो गया है और 21वीं शब है, पहली शब का दर है, लोग एतकाफ़ में भी आज बैठना शुरू हो जाएंगे। और तो इस हवाले से इमाम साहब एतकाफ़ के बारे में, शब कदर के बारे में, कुरान के नज़ूल के बारे में, मुख्तलिफ अहादीस और सुन्नत के हवाले से रोशनी डाल रहे हैं और नमाजियों को इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। मदीने में आए हुए ज़ायरीन और यहाँ के मुकामी रहायशी लोग, तमाम तर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि आखिरी अशरे में खसूसी तौर पे तमाम अयाम जो हैं यहाँ पर शब्बेदारी यहाँ पे हरम में ही गुजारें। आपको बड़ी तादाद जो नज़र आ रही है लोगों की, इसमें ज़ायरीन और मकामी लोग दोनों ही शामिल हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में शब्बेदारी करने वाले तमाम अफराद यही कोशिश करते हैं कि अपना तमाम वक्त यहीं पर हरम में ही गुजारें और ऐन सहरी के वक्त फिर यहाँ से वो अपने होटलों को और अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।